Archie, welcome back to Journey, जो आई हब बाय ब्रॉड. We are back with another vlog. तो जैसा कि आपको पता है कि समर सीजन चल रहा है, गर्मी की वजह से सबका बुरा हाल है. तो मैंने सोचा कि इस समर सीजन को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए, थोड़ा वीआईपी बनाया जाए और सबसे खास बात मेमोरेबल बनाया जाए. मेमोरेबल, स्पेशल, वीआईपी, वो कैसे, किस तरह, चले मैं बताता हूँ. तो गाइस, फाइनली आज हम आपको इस व्लॉग में बुडापेस्ट में एक ऐसी जगह पे लेके जाने वाले हैं जो मेरे दिल के करीब तो है, मगर मेरी तरह हजारों लाखों लोगों के दिल के करीब है. ऑल इन ऑल एक ऐसी जगह जो शायद मेरी पिदाई से पहले एग्जिस्ट करती है. और वो लोग जो स्क्रीन पे इस व्लॉग को देख रहे हैं, मैं आपको इतना बता दूं कि शायद वो आपकी पिदाई से भी पहले की एग्जिस्ट करती है. सो व्लॉग को पूरा देखना, पसंद आया लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो जी, आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि हम आज आपको कौन सी जगह पे लेके जाने वाले हैं. हिंट आपके लिए ये है, समर सीजन है, ऑफ कोर्स आउटडोर डांस वाली जगह पे लेके जाने वाले हैं, थोड़ा पार्टी वाली जगह पे लेके जाने वाले हैं. लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप इससे पहले ऐसी जगह पे नहीं गए होंगे, 110% श्योर. तो जैसा कि आपको बता दिया कि पार्टी वाली जगह है, डांस वाली जगह है, तो चलो जी शुरू से व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, ड्रेसिंग डिसाइड करते हैं, ज्वेलरी डिसाइड करते हैं, ग्लासेस डिसाइड करते हैं, सबसे खास बात बाहर का मौसम चेक करते हैं कि अभी बुडापेस्ट में मौसम कैसा है, फिर इन सारी चीजों को डिसाइड करेंगे और चलेंगे आपको लेके उस जगह जहां पे मैं आपको लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. ये रहा बुडापेस्ट का बाहर का व्यू. शाम के ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं. दुनिया अपने कामों से घर को जा रही है. तो इसी तरह हमने भी अपनी जॉब खत्म की है, तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा तफरी मारते हैं, थोड़ा घूमते हैं. इसी बहाने मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने उसको बोला कि गाड़ी लेके आ जा, चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं, एक्टिविटी करते हैं, साथ में व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि बहुत सारे अपने पाकिस्तानी लोग हमारे व्लॉग का वेट करते रहते हैं. और स्पेशली थैंक यू टू दोस्त पीपल जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं. तो जैसे कि हमने मौसम आपको दिखा दिया, मौसम मॉडरेट है, तो चलते हैं हम लोग पैंट और शर्ट के साथ. तो ये रही हमारी कबर्ड, यहाँ से अपनी पैंट और शर्ट निकालते हैं. मॉडरेट टेम्परेचर है, पार्टी है, तो थोड़ा शाइनी सी लुक आनी चाहिए. तो उसके लिए मेरे पास बड़ी परफेक्ट शर्ट है, मैं दिखाता हूँ. आई थिंक आई विल गो विद दिस रेड शाइनी शर्ट. आप देख सकते हैं थोड़ी हैवी शर्ट है, रेड रेड शर्ट हमने चूज कर ली. गुड वाइब्स आपकी, समझ रहे हो, उसने दी थी. और रहेगी पेंट रेड के साथ, या तो व्हाइट अच्छा लगता है या ब्लैक अच्छा लगता है. पिछले 3-4 दिन से मैं ब्लैक पहन रहा हूँ, तो ब्लैक को इग्नोर करते हैं. मैं सोचता हूँ कि थोड़ा व्हाइट सा कलर हो, व्हाइट और रेड, मे बी व्हाइट और ग्रे. तो चलो देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है. ये हमारा शर्ट्स वाला जो है केस है, शर्ट वाला बॉक्स है. शर्ट हमने चूज कर लिए, तो अभी बारी है पैंट्स की. यार थोड़ा मैसी बना हुआ है, तो हमें कंसर्न है वाइट या ग्रे से. ये मिली हमारी वाइट, ये वाइट पैंट, और ये पास पड़ी है ग्रे. तो रेड शर्ट हमने चूज कर ली, ये हमने चूज कर ली वाइट पैंट, और वो चूज कर ली ग्रे पैंट. तो यार मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है कि मेरी इन दोनों में से ग्रे पैंट्स मुझे अच्छी लग रही है. तो रेड विद ग्रे इज अ नाइस कॉम्बिनेशन, आई वुड से आई विल गो विद दिस कॉम्बो. तो चलो ये कॉम्बो ट्राई करते हैं, आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो है हम ज्वेलरी एंड ग्लासेस डिसाइड करेंगे. और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि मैंने रेड कलर क्यों चूज किया है. रेड कलर के पीछे कहानी पता है क्या है? वो वही है. नहीं नहीं नहीं, नहीं. रेड लाइट एरिया नहीं, ये कोई एम्स्टरडम नहीं है, नेदरलैंड नहीं है. रेड लाइट
एरिया या रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये बेसिकली बुडापेस्ट हंगरी है। और मैंने रेड कलर इसलिए चूज किया है क्योंकि जिस जगह पे हमने आपको लेके जाना है उसका जो इंटरनल कलर है, जो उन्होंने वाइब दी हुई है, जो कलरिंग की हुई है, वो रेड है, इसलिए राजा भी ने रेड पहना हुआ है। तो चलो मैं ड्रेस जब होता हूँ और आपको दिखाते हैं कि हमारा ड्रेस एल लग रहा है या डब्ल्यू, सॉरी नॉट लाइक दिस, ओह नो लाइक दिस, नो नो द फक, डब्ल्यू या एल लग रहा है या डब्ल्यू, आपने कमेंट्स में बता देना है एल या डब्ल्यू। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, रेड शर्ट पहन ली है, ग्रे पैंट्स पहन लिए, तो चलो अभी आपको गेट रेडी विद मी वाली लुक दिखाते हैं। आपने कमेंट्स में बता देना है ये या ये। 3, 2, 1 हियर वी गो। ये अभी हमने ड्रेसिंग पहनी है, हाँ स्लिपर को इग्नोर कर दो, ये रेड शर्ट और नीचे ये जो है ग्रे पैंट्स। लाइट्स क्यों नहीं ऑन हो रही है, एक मिनट यार, चक्कर क्या है दो। हाँ जी अभी सो ये रेड शर्ट साथ में ग्रे पैंट्स। अभी बारी है किसकी, उसकी जिसने हमें छोड़ दिया था। ओहो ना, अभी बारी है ज्वेलरी की, ग्लासेस की। तो चलो बिना किसी देर किए ज्वेलरी निकालते हैं। ज्वेलरी वाला बॉक्स ये रहा हमारे सामने, तो ये रहा ज्वेलरी वाला, इसको यहाँ पे रखते हैं। एक और हमारे पास रिंग वाला बॉक्स है यार, ये मेरी माँ जी ने मुझे दिया था पाकिस्तान से, जो मैं आ रहा था ना, इसमें फैमिली रिंग्स हैं, ऐसी रिंग्स हैं जो मेरे ख़ानदान से जुड़ी हैं, तो थोड़ा स्पेशल है, मेरे दिल के करीब है, इसलिए इसको थोड़ा ऐसे रखा हुआ है। तो चलो आपको दिखाते हैं, आप भी तो स्पेशल हो। तो चलो जी, इट्स टाइम टू चूज आवर ज्वेलरी कि हमने क्या पहनना है पार्टी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास कुछ रिंग्स हैं, कुछ नहीं मतलब काफ़ी हैं, और ये हमारे पास नेकलेसेस हैं और सामने ब्रेसलेट्स हैं। तो चूज़ करते हैं पहले नेकलेस। जैसे कि हमने रेड और ग्रे पहना हुआ है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि हमें वाइट के साथ जाना चाहिए, वाइट ज्वेलरी, वाइट नेकलेस होना चाहिए। दो ऑप्शन आते हैं, एक हो गया ये, इसको मैंने काफ़ी वीडियोस में पहना, आप फेमिलियर हो गए, या फिर दूसरा ये। यार इग्नोर करना मेरे थोड़े ये जो नेकलेसेस हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो इग्नोर इट। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पहन जो, क्योंकि गर्मी है, गले में चुभेगा नहीं, तो आई विल गो विद दिस वन। साथ में अभी ब्रेसलेट की बारी है, तो आई विल चूज समथिंग विद गोल्डन। आपको पता है गोल्डन वाइब हो, बिल्कुल राजा भाई की तरह नेक्स्ट लेवल वाइब आती है, तो आई विल चूज दिस वन। ये हमारे पास ये हो गया, एक हाथ में ये पहनेंगे अपना, एक और गोल्डन ब्रेसलेट है। रिस्ट वॉच नहीं पहन सकते क्योंकि डांस करते करते गिर जाए तो राजा भाई की जो स्पेशल वीआईपी वॉच है वो गायब हो जाएगी। तो अभी हम पहनेंगे साथ में ये दो ब्रेसलेट हो गए जो हम हाथ पे पहनेंगे, ये नेकलेस हो गया। अभी बारी है रिंग्स की, तो जैसा कि ये वाइट है तो आई वुड प्रेफर टू गो विद दिस वाइट, वाइट ऑल्सो मे बी दिस वन गोल्ड एज वेल और दिस वन और मे बी दिस वन, यस। सो आई विल गो विद दिस थ्री रिंग्स, ये नेकलेस, ये तीन अंगूठियाँ, ये दो ब्रेसलेट्स। और चलो जी अभी ब्रेसलेट चूज कर लिए, नेकलेस चूज कर लिए, रिंग्स चूज कर ली, बारी है तो ग्लासेस की। ग्लासेस मेरे ऑलरेडी टेबल पे पड़े हुए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना इस ग्लासेस के साथ चला जाए। तो गाइस फाइनली हम लोग फुली तैयार हो गए हैं, फुली प्रिपेयर्ड हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं शर्ट रेडी है, ग्लासेस रेडी हैं, वाइट वाली रिंग यहाँ पे है, ब्रेसलेट हमने पहन ली है, तो दूसरे हाथ में भी दो रिंग्स आ गई हैं, पैंट्स हमने पहन ली हैं, और ये रहा हमारा जो आज का फाइनल लुक। ग्लासेस लेके जाएंगे, पहनेंगे, डांस करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हंगेरियन लाइफ स्टाइल दिखाऊँ, हंगेरियन पीपल दिखाऊँ, हंगेरियन डांसिंग स्टाइल दिखाऊँ, तो इसीलिए
व्लॉग को पूरा देखना और दोस्त का वेट करें, कुछ मिनट्स में वो यहाँ पे होगा, उससे मिलेंगे, थोड़ा एक दो पंजाबी गाने सुनेंगे, फिर निकलेंगे अपनी उस जगह पे जिसका मैं कब से बात कर रहा हूँ। Guys, she's the one I was looking for. Bakwas, what? No, she's a very bubbly person. I love her personality. I love her vibe. And I just took her bicycle because I want to take a ride. After 6 years, let's see if I still know how to ride a bicycle. Let's see, okay? Let's do it. Let's try. 3, 2, 1. Do I need a license? Okay, 3, 2, 1. Oh my god, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh! The air is gonna go. Well, the gear is put in, so. Andy, I still remember how to ride a bicycle. अंजलि कैमरामैन आ जाओ यार, फाइनली अभी ये 2 मिनट के फास दो सेकंड के फासले पे है। कैमरामैन जल्दी आ जाओ, अभी ऑडियंस को लेके हमें जाते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा रोला होगा, शोर होगा, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अंदर ऐसी जगह हैं जो पूरी डिस्ट्रॉय है, रॉइन है, इसको रॉइन पब कहा जाता है। आज हम आपको लेके आए हैं सिप्ला खुरद में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाथ टब में लोग बैठ के वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लोग शीशा फूंक रहे हैं, और ये टोटली लाइक जैसे आप घर में बैठते हैं टूटे हुए घर में, वैसे आपको माहौल मिलेगा। तो चलो आपको दिखाते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है, आपसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज 360 व्यू एंड द होल क्लब वी गोना कैप्चर। अगर हमें मौका मिला तो हम आपसे बात करेंगे। देखिए कैमरा मैन आ जाओ, लेके चलते हैं इनको अंदर और बात करते हैं। जी तो यहाँ से एंटर शुरू होती है इस क्लब की, इसको सिप्ला खुर्द कहा जाता है। इनको 360 भी दिखा रहे आने वाला है, वो बार जिसके मैं आपको बता रहा था, रेड शर्ट रेड कलर। कम ऑन लेट्स गो। बैठ के शीशा फूंकते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन आगे
आई होप आप लोग मुझे सुन सकते हैं। जैसा कि आप लोग हम लोग सिंपला खुर्द में लेके आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो चलो पादी, कल हमने इनको नीचे वाला फ्लोर दिखाया था, आज ऊपर वाला फ्लोर दिखाते हैं, ऊपर वाला फ्लोर। तो 360 व्यू दिखाओ और चलो इनको लेके चलते हैं अंदर, ठीक है? चलो देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं, बट वी मेक श्योर वी शो यू ऑल द क्लब। गाइस अभी हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े हैं, मेन मिडिल ऑफ द क्लब खड़े हैं, वॉल्स पे ग्राफिटी भी पड़ी है, तो इन लोगों को वॉल्स दिखाई दे, वॉल्स वॉल्स। आप इनको दिखा दे कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे लोग आए हैं। We are almost there, guys. This is the club I was talking about. I'll take you inside and I'll show you how this club looks like. Come on, let's go. जैसा कि आप देख सकते हैं ये था हमारा पूरा सिप्ला क्लब, यहाँ पे शोर बहुत है, मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच जाए। हमने आपको सारे डांस फ्लोर दिखा दिए हैं, यहाँ पे म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है मेरे एक्सपीरियंस से, बट स्टिल रिक्वायर्ड आर बेस्ट टू शो यू द होल सिप्ला। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर ये व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो बाकी चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।